नमस्कार। शिव उस तत्व का नाम है जो शून्य भी है और सर्वस्व भी है। शिव तत्व जो उत्पत्ति का कारक भी है और संहार का भी, क्योंकि शिव तत्व आदि है, जन्म मरण से परे है, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। विज्ञान ने साबित किया है कि सृष्टि में सब कुछ शून्यता से आता है और वापस शून्य में ही चला जाता है। अस्तित्व का आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट शून्यता है। इस ब्रह्मांड में मौजूद आकाश गंगाएं केवल छोटी मोटी गतिविधियां मात्र है। इसके अलावा सब कुछ शून्यता ही है। इस शून्यता को शिव के नाम से जाना जाता है। शिव ही वो गर्भ है जिसमें से सब कुछ जन्म लेता है और अंत में सब कुछ फिर से उसी में समा जाता है। शिव एक शाश्वत अंधकार है। प्रकाश का अस्तित्व सीमित है क्योंकि प्रकाश बिना किसी स्रोत्र के संभव नहीं है, लेकिन अंधकार का कोई स्रोत्र नहीं है। अंधकार स्वयं में ही एक स्रोत्र है। अंधकार शाश्वत है। आँखों को जब हम बंद करते हैं तब दो अनुभव होते हैं। एक तो मन में विचारों का आना शुरू हो जाता है और दूसरा आँखों के बंद होते ही एक अंधकार दिखाई देने लगता है। जब शुरू में आँख बंद होती है तब कभी कभी उस अंधकार में हल्का सा प्रकाश या कोई आकार या कुछ रंग दिखाई देने का आभास बना रहता है, किंतु अब आप धीरे धीरे प्रकाश को, आकार, आकृति, रंगों को समाप्त कर दें। एक शून्यता भरा अंधकार। इस शून्यता में, इस अंधकार में यात्रा करनी है। इस अंधकार में इस समय आपके साथ ना प्रकाश है और ना ही कोई आकार, ना कोई आकृति है, ना ही कोई रंग। केवल अंधकार ही आपका साथी और सहयात्री है। अंधकार में ही यात्रा जारी रखनी है। आँखों को और मन को प्रकाश की आदत है, इसीलिए शुरू में मन इस अंधकार से भयभीत अनुभव करेगा। इस अंधकार का अंत कहाँ होगा? क्या इस अंधकार में यात्रा करना सुरक्षित होगा? इस अंधकार में यात्रा करते करते हमें कहाँ पहुंचना है? क्या इस अंधकार में यात्रा की पूर्णाहुति पर प्रकाश की प्राप्ति होगी? कई सवाल, कई प्रश्न और कोई उत्तर नहीं, बस यात्रा करते रहनी है।
यह अंधकार सर्वत्र व्याप्त है और धीरे धीरे हमें यह भी ज्ञान नहीं रहेगा कि हम कहाँ हैं। हम केवल अंधकार को देख रहे हैं। धीरे धीरे अंधकार के जैसे ही मन और विचार शून्य हो रहे हैं। इस अंधकार में यात्रा करते रहे। अंधकार को देखते रहे। निरीक्षण करते रहे। और अंधकार में यात्रा करते रहना है। मन बहुत ही प्रयत्न करता है कि कुछ देख सके, किंतु आसपास सर्वत्र केवल और केवल एक गहरा अंधकार ही है। इस अंधकार में यात्रा करते रहे। अंधकार को देखते रहे। निरीक्षण करते रहे और अंधकार में यात्रा करते रहना है। केवल अंधकार ही आपका साथी और सहयात्री है। धीरे धीरे मन और विचार शून्य हो गए हैं। एक शून्यता, एक शांतता, एक नीरवता, एक विश्राम। अंधकार को देखते रहे। निरीक्षण करते रहे। और अंधकार में यात्रा करते रहना है। धीरे धीरे शरीर के होने की अनुभूति इस अंधकार में जैसे विलीन हो गई है। अंधकार सर्वत्र व्याप्त है और हमारा अस्तित्व भी अब सर्वत्र व्याप्त हो चुका है।
यदि अंधकार और अंधकार की शून्यता ही ब्रह्मांडीय मूल तत्व है, तो आज हम अपने अस्तित्व के स्रोत का अनुभव कर पाए हैं। जब मन को पूरी तरह से तृप्ति का अनुभव हो जाए, तो आप इस ध्यान से बाहर आ सकते हैं।